टीएमसी सरकार को देखिए, वो आपको लूटने का कोई मौका छोड़ती नहीं है। अब रिजाइन करो, उसका बात बंगाल को चैलेंज करो। বৈশাখের গরমে পুড়ছে বাংলা, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজনীতির উত্তাপও। কলকাতা হাইকোর্টের এসএসসি চাকরি বাতিলের রায়ের পর প্রথমবার রাজ্যে এসে শুক্রবার তৃণমূলকে চাচা ছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইনোনে ইতনা বড়া শিক্ষা গোটালা কিয়া, 26,000 পরিবারों की रोजी रोटी ठप हो गई। क्यों आप 26,000 टीचर को चाकरी खा लिया? क्यों खा लिया? नौकरी देने तो नहीं सकते हैं, नौकरी लेने के लिए दोस्ती बना के मस्ती चलता है। लोगों का जिंदगी आग में जलेगा और आपका मस्ती चलेगा? नहीं चलेगा। हम पूरा टीचर लोगों के साथ, पूरा कर्मचारी का साथ, हम पूरा परिवार का साथ, हम लोगों ने आपका साथ है, जरूर है, जरूर है, जरूर है। चाकरी गेलो केन? के नियोग परीक्षा निये छिलो? स्कूल सर्विस कमिशन के नियोग करे छिलो? स्कूल कमिटीगुलो भेंगे दिए बीजेपी के तृणमूल का दखल करे छिलो? কেন হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিল এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ গণতান্ত্রিকভাবে ভোট হয়ে হয় 12 বছরে কেন ভোট করেনি, নিজের লোককে দিয়ে কেন করেছিল? লোকসভা ভোটের মধ্যে বঙ্গে প্রচারে এসে শুক্রবার কাঠমানি তোলাবাজি থেকে লুঠের অভিযোগ তুলে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। শনিবার কুলটির সভা থেকে তার জবাব দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए यहां की सरकार को जो पैसा भेजता हूं, वो टीएमसी के नेता मंत्री तोलाबाज मिलकर खा जाते हैं। जो योजनाएं मैं सीधे लागू करने की कोशिश करता हूं, उसे भी टीएमसी सरकार रोक देती है। नरेंद्र मोदी जी ने कल एक मीटिंग किया करके बोला कि हमारा इधर में बांग्ला का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कल मोदी बाबू ने बोला है तृणमूल के लिए डेवलपमेंट बंद हो गया है। हम खाली 4 सेक्टर आपको कहने चाहूंगी। जीडीपी, जिसको हमको जीएसडीपी कहने जाता है, इंडिया में क्या है परसेंटेज आपका? 10 साल में 8.87 और बंगाल में 11.84। অযোগ্যদের সঙ্গে চাকরি হারিয়ে যোগ্য প্রার্থীরাও এখন অকুল পাথারে। অন্যদিকে ভোটযুদ্ধের আবহে তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানোতর চলছে সমানতালে। মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রিপোর্ট এবিপি আনন্দ।